धर्मा बॉडीज, मेरे इस चैनल को देखने वाले मेरे धर्मा फ्रेंड्स, आप सबको जूलियट रशीद अलैक नमस्कार। चंद दिन पहले मैंने तिब्बत का जो है किंग ठिटोंग देसन और खंचेन हिवासो, जिनको शंता रक्षिता बोलते हैं, उनके जो है बारे में, और फिर जो है शंता रक्षिता जी जो तिब्बत आए थे, तिब्बत में जो है बुद्धा के जो है टीचिंग्स को, बुद्धा के जो है धर्मा को जो है वहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और स्थापना करने के लिए, तो उनमें जो है क्या क्या रुकावटें आए, और फिर उस रुकावट को दूर करने के लिए जो है शंता रक्षिता ने राजा को क्या सजेस्ट किए। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि ये सारे जितने भी जो है प्रॉब्लम्स, ये जितने भी ऑब्सक्यूरेशन ऑब्स्टेकल्स रुकावटें जो आ रहा है तिब्बत में, ये आपके जो है यहाँ के जो अमनुष्य तत्व, इविल स्प्रिट्स, और इनसे तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। आप जो है अभी भारत में, इंडिया में गुरु पद्मा संभवा है, उनको जो है दूध भेजिए, अपना मैसेंजर भेजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वो यहाँ पधरे। अगर वो आ जाते हैं तो उनके पास जो है ये जितने अमनुष्य तत्व वगैरह, इविल स्प्रिट, डेविल स्प्रिट, ये सारे चीज़ों का जो है 100% जो है तोड़ है। तो फिर राजा जो है मैसेंजर भेजे थे, और फिर वो मैसेंजर जो है गुरु पद्मा संभवा से नेपाल में ही मिले। उन्होंने वहाँ से प्रॉमिस किया कि तुम लोग चलो, मैं आ जाता हूँ कुछ दिनों, जब अपने टाइम से आ जाऊँगा। तो जब वो लासा से जो है कुछ एक दो किलोमीटर के डिस्टेंस, एक दो दिन के सफ़र बाकी था उनका पहुँचना, तो वहाँ गाँव में जो है लोगों ने ये खबर किया कि यहाँ तो गुरु पद्मा संभवा आए हुए 6-7 दिन हुए हैं और टीचिंग्स दे रहा है। और फिर उनके दर्शन के लिए जब गए तो सचमुच ही जो है गुरु पद्मा संभवा को वहाँ पाके उनके दिल में जो है बहुत जो है श्रद्धा जगा, और वो फिर वहाँ से खुशी खुशी दौड़े दौड़े जो है लासा गए, जहाँ ठिटोंग देसन से मिले और उनको खबर किया कि खुशखबरी दी कि गुरु पद्मा संभवा तो जो है वहाँ से चल पड़े हैं, और यहाँ से जो है 1-1.5 दिन के रास्ते पे फलाने गांव में, आप मुझे वो गांव का नाम गेलमो कुंगथंग करके मेरे ख्याल में उस गांव का नाम था, वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप तो तैयारी कीजिए रिसेप्शन के लिए, वो तो पहुँचने वाला है। तब फिर किंग ठिटोंग देसन जो है बहुत भगदौड़ मचा, बहुत सरप्राइज हो गया कि मतलब वो तो सोचते थे आएंगे नहीं आएंगे, पहली बात तो ये है, दूसरी बात आने से भी जो है बहुत समय लगेगा, उनको जो है लेने के लिए जाना पड़ेगा, घोड़ा या पता नहीं राशन पानी क्या क्या जो है इंतज़ाम करके जो है कितने दिन का सफ़र होगा। तो उनके दिमाग में बहुत प्लानिंग चल रहा था, लेकिन उनके लिए बड़ा है ये सरप्राइज था कि वो तो पहुँच गए, 1-1.5 दिन के सफ़र बाकी था। तो बहुत भागदौड़ मची, और फिर बहुत पावरफुल राजा था, पूरे तिब्बत को जो है मैंने जैसे बताया था, तो एंटायर तिब्बत को जो है कंसोलिडेट करके वो राजा था। तो उन्होंने हर जगह बहुत इंतजाम किए, उनके रिसेप्शन के लिए जो है बहुत सारे जो है लोगों को बुलाए, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे जो है डेकोरेशंस, बहुत सारे जो है कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारा तम जम बिल्कुल तैयार करके फिर वो राजा जो है वहाँ से चल पड़े, इधर से गुरु पद्मा संभवा चले। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है जब गुरु पद्मा संभवा और किंग ठिटोंग देसन दोनों का जो है मुलाकात हुए, आमने सामने हो गया, तो कितना आप सोचिए कितना खुशी का जो एक पल था, मौका था। लेकिन यहाँ जो एक थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गड़बड़ क्या हुआ कि किंग ठिटोंग देसन ने सोचा कि ठीक है गुरु पद्मा संभवा तो उनका तारीफ तो बहुत किए शंता रक्षिता जी ने, वो गुरु है, वो फलाना है, ये फिताना है, तंत्रिक मास्टर है, ये है वो है, जो भी हो, लेकिन राजा तो राजा होता है, मैं जो है पूरे तिब्बत का जो है सम्राट हूँ, इसलिए जो है राजा तो राजा होता है, इसलिए मेरे ख्याल में पहले गुरु पद्मा संभवा जो है मुझे विश करेगा, हेलो नमस्ते जो भी है बोलेगा।
ऐसा जो है एक्सपेक्टेशन था राजा का। और फिर गुरु पद्मा सम्भा सोचने लगे कि चूंकि मैं तो जो है एनलाइटन मास्टर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो तंत्रिक जो है सिद्धि प्राप्त मैं गुरु हूं, मेरे पास जो है इतने नॉलेज है, ये है वो है। और फिर उससे बड़ी बात ये है कि मैं तो आया नहीं हूं, मेरा जरूरत जो है राजा को पड़े, इसलिए इसने जो है दूध भेजा, अपना मैसेंजर भेजा मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए, आने के लिए। राजा की जरूरत के मुताबिक मैं आ रहा हूं, मेरे जरूरत के मुताबिक राजा के पास तो मैं नहीं जा रहा हूं। लिहाजा जो है इसका मेरा विश करना तो बनता नहीं, राजा मुझे विश करेगा। और फिर गुरु पद्मा सम्भा जानता था इस राजा में जो है एरोगेंस है, इस राजा में जो है प्राउडी है, राजा इसके अंदर जो है बहुत ईगो भरा हुआ है, ईगो। तो गुरु पद्मा सम्भा ने सोचा सबसे पहला मेरा काम यहाँ तो ये जो है इस राजा का जो है ईगो को जो है तोड़ना हो। लिहाजा जो है गुरु पद्मा सम्भा ने भी जिद पकड़ लिया, उन्होंने भी जो राजा को विश किया नहीं। तो उधर जो पद्मा कथंग जो बायोग्राफी है उसमें लिखा है छकला मछम मछम सोमेर सोमेर लूस, छक मतलब विश करना, मछम बना नहीं किसने किसको करना है, सोमेर सोमेर लूस। राजा भी वहीं खड़ा रह गया, गुरु पद्मा सम्भा भी खड़ा रह गया, हेलो हाय नमस्ते तशी दिले, एक दूसरे ने कुछ विश किया नहीं। ऐसे जो है जैसे दो स्ट्रेंजर्स अजनबी दो जो है मिल गया और आमने सामने एक दूसरे को देखता ही रह गया, एक दूसरे ने हेलो नमस्ते टशी दे ले विश किया नहीं। ऐसे सोमेर सोमेर लूस कुछ समय जो है उसमें बीत गया, बड़ा लोग जो है आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया अभी तो, ये तो जो है बहुत इतना मतलब इम्पोर्टेंट ओकेजन है, इसमें तो जो है विश करना चाहिए, हक करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। तो थोड़ी देर के बाद जब ऐसा जो है अजीब सा जो है ये हालत रहा, और उसके बाद फिर गुरु पद्मा सम्भा ने जो है राजा को जो है फिर मुखातिब होके कम्युनिकेट किया, राजा को उन्होंने बात किए शुरू किए, बोला ना संज्ञा पद्मा जुमना जी, मैं जो है बुद्धा हूँ और मेरा जो माइंड जो है इनलाइटन माइंड है, बुद्धि बुद्धा को प्राप्त हो चुका हूँ, बुद्ध बन गया हूँ मैं। फिर बोला मैं जो है वर्पन पद्मा जुमना सू, मैं प्रोफेसर हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी का, मैं सक्षमा पद्मा जुमना सू, मैं तंत्रिक आदमी हूँ जिसको जो है तंत्रा में जो है हर प्रकार का जो है सिद्धि प्राप्त है, मैं मतलब उन्होंने पता है मैं सिस्खान पद्मा जुमनास हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं स्मनपा पद्मा जुमनास हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सखन पद्मा जुमनास हूँ, मैं जो है ये जो मट्टी का बर्तन बनाने वाला जो है सुराही वगैरह बनाने वाला कुमार हूँ, मैं शिंजो पद्मा जुमनास हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं चाजो पद्मा जुमनास हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं पुदमे पद्मा जुमनास हूँ, मैं औरत हूँ, अगर मैं चाहूँ अभी तो मैं जो है औरत का रूप धारण करके जो है गहने लगा के जेवरत पहन के सब कुछ करके जो है मैं किसी के साथ जो है शादी कर सकता हूँ। ना चिस्पा पद्मा जुमना दिन, मैं बच्चा पद्मा जुमनास हूँ, बच्चा अगर मैं चाहूँ तो मैं छोटा बच्चा का रूप धारण करके जो है गली कोचुंग में जो है बच्चों के साथ गोली डंडा खेलने के लिए जा सकता हूँ। उनको जो है वो जो है सिद्धि प्राप्त एनलाइटन तंत्रिक मास्टर था, कोई मुकाबला था नहीं उनका, कोई कंपैरिजन नहीं था। तो मैं ये हूँ ठाकुर यूर की जलपो, एक बैकवर्ड मुल्क है, कंट्री है, किंगडम है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, चरुंग ओर से जो है नंगे पहाड़ धूल मट्टी, और तुम्हारे जो है ये जो किंगडम है इसके चार और एटमोसफियर में जो है
जुम्पो, थेरांग, टुलबुम, नोचिन, चांग, टीमो, ये सारे जो है अमनुष्य तत्वों का जो है इविल स्पिरिट से जो है डागा हुआ है, भरा हुआ है एटमोस्फियर तुम्हारा पूरा माहौल। इसके बीच में एक बैकवर्ड कंट्री का जिसमें कुछ नहीं है, इसका एक राजा है और ईगो देखो तुम्हारा, क्या समझते हो आपने आपको क्या है तुम? कुछ नहीं, तुझे मेरे जरूरत था, तुमने मुझे बुलावा भेजा, मैं आया, मैं तुम्हारे पास नहीं आया। इसलिए कोई भी जो किसी भी हालत से किसी भी सूरत से ये तो नहीं बनता कि मैं तुमको विश करूं, कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों करूंगा विश। और देखो मेरे सामने खड़ा है राजा है, इतना जो है प्राउडी, इतना जो है एरोगेंस, इतना जो है ईगो लेके एक के बहुत ही बैकवर्ड मुल्क का जो है राजा है पॉपुलेशन का, मैं क्यों विश करूं तुझे, बिल्कुल नहीं करूं। ये जब बोले मा गपो छोड़ला छप नहीं छल, मुझे तुझे जो है विश करने का तो किसी भी सूरत से जो है बनता नहीं है, मैं तुम्हें विश कर लू। उन क्या सोचे डेल्फाला, फिर भी पिछले जन्म का कुछ वजह है, वजूहत है, मैं उसको याद करता हूं आपका और मेरे जो है इससे पहले वाले जन्म पिछले जन्म, उसको मैं जब याद करता हूं तो मेरा मन करता है कि उस नाते मैं तुझे जो है विश करूं, और उसी जन्म के नाते उसी जन्म को याद करके इससे पहले वाला मैं आपको जो है राजा मैं आपको जो है नमन करता हूं। बल्कि गुरु ने जो है दोनों हाथ जोड़ के, गुरु परमा संभवा ने किंग ठिटों के साथ को जो है विश किया हाथ जोड़े, गुरी छंगर जोठुल रंगने पर गुरु परमा संभवा के ये जो मुद्रा था नमस्कार करने का, हाथ से जो है आग के शोले निकल गए, जब पे नजर थम जा मैं इसी। और राजा का जो है सब पहना हुआ था कपड़े वपड़े अच्छे पहने होंगे, चाइनीज सिल्क वगैरह का चाइना बगल में है, ये सब जो है जल गया, आग लग गया पूरा कपड़े में। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल वो गुरु था, ऐसे गुरु का जो है एक ऑर्डिनरी राजा जो है उसके जो विश को जो एब्जॉर्ब करने का, उसको अपने आप में लेने का, उसको स्वीकार करने का, एक्सेप्ट करने का, अपने अंदर समाने का, राजा के पास जो है काबिलियत नहीं था, ताकत नहीं था, औकात नहीं था राजा का। लिहाजा जो है गुरु ने जो है जैसे हाथ जोड़ा तो गुरु के हाथ से जो है आग के शोले निकल गए और राजा का जो पूरा कपड़ा जो है जल गया, आग पकड़ गया, हल्ला गुला मच गया, राजा को आग लग गया, राजा को आग लग गया, फौजी फौजी इधर से सिपाही वगैरह आके जैसे तैसे करके आग बुझाया। तब किंग ठिटोंग देसम को पता चल गया कि गुरु पद्मा सांभवा जो है क्या चीज है, और वो उधर जो है बिल्कुल जो है लंबा पड़ गया और गुरु के जो पैर पकड़ा, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, सचमुच मेरे ईगो मेरे एरोगेंस और मेरा जो है जो एरोगेंस और ईगो जो की वजह से जो है मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा करें। तो बोला कोई बात नहीं राजन, उठो, इंसान है इंसान से ही खाता होता है, इंसान है इंसान से ही गलती होता है, इंसान है इग्नोरेंस है उसकी वजह से ईगो भी आता है एरोगेंस भी आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है और हम समसरा में नहीं होते, ऐसा मत कीजिए, दिल छोटा मत कीजिए, उठिए, कोई गिल्टी कॉन्शियस मत रखिए अपने अंदर, चले रवाना करते चलते, तो चल पड़े वहाँ से। तो इस तरीके से जो है गुरु पद्मा संभवा और किंग ठिटोंग देसम का जो मुलाकात होता है, उसके बाद फिर उनको रसीव करके लाते हैं, राजा ने जो है अपने महल में ले आए और उनका जो है इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन कुदरती बात है खाने का रहने का हर बंदोबस्त किया होगा, लेकिन जो है आप सोचिए गुरु पद्मा संभवा जो है प्लेन के रहने वाले थे, उनको जो है क्या खिलाने का इंतजाम होगा, क्योंकि तिब्बत में तो जो है जो प्लेन में मिलता है वो तो उस टाइम था नहीं, तिब्बत में तो वही
गेहूँ, जाव, सत्तू, अनाज, बटर, चीज, मीट, ये सारे चीज़ें होते थे। अब जो भी हो, किस तरीके से मैनेज किए उस टाइम, और गुरु पद्मा संभव ने किस तरीके से जो तिब्बत के जो उस अब हवा में, उस एल्टीट्यूड पे, उस माहौल में एडजस्ट किए, जो भी किए किए, खनचेन युवासो भी थे वहाँ, बहुत खुश हो गया। तब जो है खनचेन युवासो ने जो है राजा को जो है जब बोला कि मैं पिछले जन्म के नाते से, रिश्ते से जो है तुमको मैं विश करता हूँ, वरना कोई विश करने का जो है तुम नहीं बनता। तो जब खनचेन युवासो और गुरु पद्मा संभवा दोनों के सामने, फिर किंग टिटोंग के सामने जो है जब पूछा, खनचेन युवासो ने, संता रक्षिता ने ये बताया था कि आपको आना पड़ेगा, कोई वजह है। आज आपने जो है मुझे विश करने से पहले जो है पिछले जन्म का कोई रिश्ते का, नाते का जो आपने जिक्र किया, ये क्या है? तब गुरु पद्मा संभवा ने बताया कि आप, मैं और खनचेन युवासो, संता रक्षिता, हम तीनों, बल्कि बलुंग वामी ठीक है, एक और भी उनका भाई था जो वही तिब्बत नेपाल के बॉर्डर के नज़दीक कहीं गांव में पैदा हुआ था, वो हम सब भाई थे पिछले जन्म में। और हमारा माँ जो है माँ चर्जिमो थी, माँ चर्जिमो ने जो है बोधनाथ स्तूपा का जो है फाउंडेशन डाले, आधा बन के जो बना था वो गुजर गई। और फिर जब हम थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो हम चरुण भाई मिल के जो अधूरा छोड़ा हुआ माँ के स्तूपा था, उस स्तूपा को जो है हमने कंप्लीट किए और उसको जो है कॉन्सिक्रेशन किए। तो इतना जो है वो जो है इतना ब्लेस्ड वो एक स्तूपा बना कि उस टाइम जो है आसमान से बुद्धा के जो है रेलिक्स गिले, आसमान से जो है देवी देवताएं जो है ढोल बजाते हुए गाते हुए लोगों ने सपने सुनाई दी है, आसमान से फूलों के जो है बरसात होते हुए लोगों ने अपने आंखों से देखे। तो ऐसे जो है ब्लेस्ड एक स्तूपा जो है जब हमने बनाया, कंप्लीट किए, तो उस टाइम जो है हमने एक एक जो है दुआ मांगा था, विश किया था। और उस जमाने में, उस लाइफ में अब सबसे बड़ा भाई था, इसलिए जो है आप पिछले जन्म में मुझसे बड़ा था, मेरा बड़ा भाई था, उस नाते से जो है मैंने आपको जो है विश किया था, वरना कोई जरूरत नहीं था। तो और हमने जो है तीनों ने जो है एक एक विश किए थे कि हम तीनों जो है पैदा हो और तीनों एक जगह मिल के एक बहुत बड़े कार्य को जो है मतलब करें। अब वो समय आ गया है, खनचेन युवासो ऑलरेडी पहुंच गया इधर, जब फुटिटों के सन अब तिब्बत का जो है राजा पैदा हुए, मैं जो है गुरु पद्मा संभवा, तो हम इकट्ठे हो गए। अब कोई महान कार्य ही हमारे हाथों से होना निश्चय है, होना ही होना है, जरूरी है। तब फिर राजा ने जो है वहाँ का खबर सुना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खनचेन युवासो ने क्या क्या जो है किए, समय बनाने का जो है कैसे उन्होंने प्लानिंग किए, फिर वहाँ जो है क्यों नहीं बन पाया। जब बोले तो राजन अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जब से निकला हूँ नेपाल से, रास्ते में बहुत सारे जो है ऐसे एविल स्पिरिट्स जो है मुझे मिला, मैं एक एक कर को जो है एक एक को जो है पकड़ पकड़ के धो धो के आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे जो है इविल स्पिरिट के नाम लिए, और भी होंगे कुछ, उसको भी देखा जाएगा, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तो ये करके फिर एक दो दिन हफ्ता भर जो है रेस्ट किए होंगे, फिर गुरु पद्मा संभवा ने बोले आप मुझे ले चलो, कहाँ आपने मोनास्ट्री बनाना है समया, वो कौन सी जगह है जो दिन को आप बनाते थे, रात को वो लोग जो है गिराते थे, उसी जगह पर ले जाओ, वहीं बनाएंगे हम। तो फिर गुरु पद्मा संभवा को खनचेन युवासो गुरु पद्मा संभवा को लेके चले गए, समय गए, तो वो जो फाउंडेशन वगैरह जो था, फिर उन्होंने जो है उस जमीन को जो है ब्लेस्ड किए गुरु पद्मा संभवा ने।
उस ब्लेस का वो उसको जो है ब्लेस करने से पहले जो है उन्होंने जो है एक तरीके से मान लीजिए इंसानों का देवलोक का जो अमनुष्य तत्व उनका जितने भी वैरायटीज थे तिब्बत में जो है ये जो अमनुष्य तत्व एविल स्पिरिट्स जैसे मैंने बताया जुम्पो थेरांग टुलबुम मोर्चिन सान टीमो ये सारे जो थे उन सबको भी जो उस मीटिंग में बुलाया मजाल नहीं था कि वो मीटिंग अटेंड ना करे। और उस मीटिंग में जो है ये जितने भी एविल स्पिरिट थे उनको जो है एक करके जो है बोला कि तुम्हारे पास जो है दो ही ऑप्शंस है या तुम जो है अपने ये जो इविल जो डिजाइन है इविल विश है इविल कर्मा है इविल सोच है इसको टोटली सरेंडर करे खत्म करके आज के बाद जो है मेरे साथ मिल जाओ मेरा काम में आ जाओ नहीं तो तुम्हें जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जो है काट दिया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा रहेगा नहीं तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म। किसी भी इविल स्पिरिट जुम्पो थेरांग त्रुम नोचिन सान टीमो जितने थे जो उसमें जो आए हुए थे किसी के पास हिम्मत नहीं था कि गुरु पद्मा संभवा का जो है ये जो आदेश है इसको काटे। सब उन्हें बोला गुरु जिनमें तन्ना चुंगी वगैरह ये सारे थे बोला गुरु हम सबों के पास ताकत नहीं है कि आपके जो है आदेश का जो है उल्लंघन करे या आदेश को ना माने हुकुम को ना माने जो आपका हुकुम होगा हम वही करेंगे। अब हमको काम दीजिए हम करेंगे काम यह एक एक करके सबको कबू किया सबको खूंटे लाइन लगा दी जितने भी एविल स्पिरिट थे। फिर उसके बाद जो है ये जो देवलोक से रिकशन जी जो फोर गार्डियन किंग बोलते हैं ना फोर गार्डियन किंग इसको रिकशन जी बोलते हैं तिब्बतन भाषा में क्या बोलते हैं युल्खोर शुंग फास्केस पो चन्मी जांग थम्थोर शास थम्थोर शास विश्व विश्वराना धृतराष्ट्र विरुदाका विरुपक्षा संस्कृत नाम है। अगर आप किसी भी तिब्बतन मोनास्ट्री में या तिब्बत या हिमालयन मोनास्ट्री में किसी भी मोनास्ट्री या टेम्पल में जाते हैं जो जो मेन एंट्रेंस है उसके दाएं तरफ दो और बाएं तरफ दो जो है चार जो है बड़े फिगर्स होते हैं जिसमें जो है नॉर्थ का राजा किंग कार्डिनल डायरेक्शन फोर कार्डिनल डायरेक्शंस का जो है गार्जियन है वो राजा भी है प्रोटेक्टर भी है गार्जियन। तो जो है सबसे पहले मिलेगा आपको वैश्वराना जो थम्थोशास बोलते हैं थम्थोशास अम्ब्रेला लिए हुए हैं येलो कलर का है हाथ में जो है एक न्यूला उठाया हुआ है और न्यूला से के मुंह से जो है रत्न डायमंड वो जो है उगल रहा है मुंह से। और फिर जो है एक जो है युल्खोरसुंग जो है गिटार उठाया होता है हरगैल युल्खोरसुंग है पीवांग जुस्तोंग तांबार दागला नांगरोजा उनके जो है जो गिटार है पीवांग है उसमें जो है 1000 स्ट्रिंग्स थे 1000 धागे। फिर एक जो है विरुदा का मेरे ख्याल में एक स्तूपा जो है बहुत नाजुक तरीके से हाथ में उठाया होता है और बाएं हाथ में जो है एक ग्रीन कलर का जो है सांप उठाया होता है सांप। और विरूपाक्षा जो है वो जो है बहुत ही थोड़ा तरानी टाइप का होता है ब्लू कलर का होता है डार्क ब्लू कलर का और हाथ में जो है एक तलवार
आधा जो है म्यान से बाहर निकले वो तलवारी होते, तो ये फोर गार्डियन किंग बोलते हैं, उनको भी बुलाया गुरु पद्मा संभवा ने और उनको काम दिया कि आज के बाद तुम जो चार गार्डियंस किंग है, विश्वराणा, धृतराष्ट्र, विरुधाका, विरूपक्षा, तुम दोनों इस मोनास्ट्री के जो है चार कोने में बैठोगे और यहाँ मैथ का काम करेगा, सुपरवाइज करेगा, और एक एक साइड को जो है उठाना, उसको यकीन करना कि सही तरीके से बन रहा है, उसका जिम्मेवारी जो है तुम होंगे। अब देखिए गुरु पद्मा संभव में पावर क्या पावर था, उनको जो है मैथ बना दिया, उन्होंने जिम्मेवारी दे दिया समझा कि चार साइड्स को जो है सुपरवाइज करने का, और फिर जो है ये सब कर करा के जो है जब उन्होंने उस जमीन को जो है ब्लेस किए और काम शुरू हो गया सन्यास का। जब कन्यास का काम शुरू हो गया तो बहुत सारे उसमें जो है लोग लगे हुए थे, तो शाम तक जो है कभी कुछ प्रोग्रेस निकलता था, कुदरती बात है, और फिर जैसे शाम होते ही जो है लोग चले गए मजदूर वगैरह। अब जो है राजा को जो है बहुत मन में डर लगा हुआ था, अब दिन को जो बनाया पता नहीं रात को फिर क्या होगा। तो अगले दिन सुबह देखा तो जितना जो है दिन को एंसम का बनाया हुआ जो जनाई किया हुआ जो कुछ प्रोग्रेस निकलता था उससे दो गुना ज्यादा जो है ये जो अमनुष्य तत्व ये लोग आगे बना के जो उससे डबल हाइट जो हुआ होता था, यानी कि इंसान से ज्यादा दिन को इंसान बनाते थे, रात को जो है ये जो अमनुष्य तत्व बनाते थे। इस तरीके से जो है ये था गुरु पद्मा संभव का पावर। उनको जो है जैसे मैंने बताया था आपने बोधनाथ स्तूपा कंप्लीट होने के बाद कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के बाद तो उन्होंने विश किया था कि मैं एक ऐसा पैदा हो कि हा डे मी, हा मतलब डेवलप, डे मतलब इविल्स प्रीट्स और मी मतलब ह्यूमन बीइंग, इन तीनों के ऊपर मेरा कमांड, कमांड मेरा कमांड। तो ये गुरु पद्मा संभव पैदा हुए जो बहुत ही रसम या बोलेंगे मिस्टिक बोलेंगे क्या बोलेंगे जो है इनके पास जो है ऐसे पावर थे, मैरेकल्स पावर पे है सब। तो इस तरीके से जो है फिर समय मोनास्ट्री बने, समय जो है बहुत ही जो है जबरदस्त एक इंस्टीट्यूशन बना वहाँ। फिर जो है वहाँ जो है खंचन जीवास हो, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले बताया फुली ऑर्डर जो है बहुत ही विनय के जो है सारे उसूलों को जो है बहुत एहतियत से जो है ऑब्जर्व करने वाला जो है परफेक्ट वो भिक्षु था। तो उन्होंने जो है फिर इंडिया से या इधर उधर से 5 भिक्षुओं को जो है इकट्ठे करके फिर और तिब्बत के जो है यंग बच्चों को इनको जो है भिक्षु का जो है ऑर्डिनेशन दिए, क्योंकि ऑर्डिनेशन देने के लिए 5 भिक्षु का फुली ऑर्डेन भिक्षु का साथ होना जो है बहुत जरूरी। एक तो खंचे युवा सब खुद थे, बाकी 4 इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लाए, लाके जो है तिब्बत में जो है संगा का जो है कम्युनिटी का जो है सबसे पहले स्थापना की। फिर समय में जो है सूत्रा का जो है अपना अलग डिपार्टमेंट बनाया, तंत्रा का जो है अपना अलग डिपार्टमेंट बनाया, विनय तिपिताका के लिए जो अपना अलग डिपार्टमेंट बनाया, सूत्रा तिपिताका का अलग बनाया, अभिधमा तिपिताका का अपना अलग बनाया, उसमें फिर लाइब्रेरीज बनाए, उसमें हॉस्टल्स बनाए। तो इस तरीके से जो है तिब्बत में जो है ये 3 ट्रियो, द 3 ग्रेट्स, या पोटिटो फाउंडेशन, गुरु पद्मा संभव, खंचन जीवास, शंता रक्षिता, ये 3 जो है तिब्बत में जो है बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने और वहाँ स्थापना करने के लिए जो है उनका जो है कठिन बोलते हैं ना, उनका ऋण जो है टिबेटन्स और जितने हिमालयन रीजन में जो है टिबेटन बुद्धिज्म के जो है आज हम जो है चेले चलते हैं, हम सबों के लिए जो है ये 3 लोगों का ऋण जो है कभी नहीं चुका सकते। गुरु पद्मा संभव जो है तिब्बत में बहुत देर तक रहे, क्योंकि उस टाइम तिब्बत में जो है एक और प्री बुद्धिस्ट तिब्बत का एक रिलीजन था जिसको बॉन रिलीजन बोलते हैं, बॉन एक तरीके से शमनिज्म प्रैक्टिस करते थे वो लोग, वो भी जो है थोड़ा सा जो है इनके साथ मुकाबले में आए, जहाँ जहाँ भी जो है इनके साथ डिबेट हुए मुकाबला हुए, बॉन भी बहुत तांत्रिक थे,
इसलिए जो है भौम के तंत्रा और बुद्धिस्ट तंत्रा दोनों को जो है कंपटीशन में आए और गुरु पद्मा संभवा ने जो है किसी को टिकने नहीं दिया और ये मैक्सिमम भौम जो तंत्र भौम वाले हैं वो भी जो है बुद्धिस्ट हो गए। और इस तरीके से जो बहुत ही तरतीब से तरीके से जो है गुरु पद्मा संभवा ने जो है तिब्बत में वज्रयाना बुद्धिज्म का स्थापना की। तंत्रिज्म भी बोलते हैं हम, वज्रयाना बुद्धिज्म भी बोलते हैं, साफ दोर्जे थेकपा। और शंता रक्षिता जी ने जो है विनाया सूता और अभिधामा इसके ऊपर जोर दी और कम्युनिटी को मौन एस्टेब्लिश किए, लोगों को जो है आम जो जनरल जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं कन्वेंशनल ट्रूथ और अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में जो है टीचिंग दिए। और गुरु पद्मा संभवा ने मिस्टिक ये जो तंत्रा वज्रयाना का जो है टीचिंग गुरु पद्मा संभवा ने, और जो स्कूल उन्होंने शुरू किए थे जो ट्रेडिशन उन्होंने शुरू किए थे उनको जो है हम निग्मा ट्रेडिशन या निग्मा स्कूल बोलते हैं आज। ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म में जो है चार अलग अलग स्कूल्स है जिसमें सबसे पुराना जो स्कूल है वो निग्मा स्कूल है। कौन सा स्कूल है ये वही स्कूल है जो गुरु पद्मा संभवा ने शुरू किए थे। फिर निग्मा के बाद फिर करगु सैक्या फिर रियोगेतन पा गिरुपा है। तो कुल मिला के जो है अल्टीमेटली जो है तिब्बत में जो है बुद्धिज्म भगवान बुद्ध के धर्मा को और उसमें से सोफिस्टिकेटेड जो है वज्रयाना बुद्धिज्म जिसमें जो है चोक्षेन का जो कॉन्सेप्ट और ये सारे जो है गुरु पद्मा संभवा ने इंट्रोड्यूस किया, जो तिब्बत के माहौल को देखते हुए वहाँ के कल्चर को देखते हुए बॉन का जो रिलीजन है उसके साथ कंपटीशन था, उसके लिए उनको जो है ज़रूरी समझा कि यहाँ जो है वज्रयाना बुद्धिज्म को जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही जो है शंता रक्षिता जी ने भी गुरु पद्मा संभवा को जब बुलाने के लिए बोले तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ जो है वज्रयाना बुद्धिज्म की ज़रूरत है और इसके लिए जो है गुरु पद्मा संभवा की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है हम खन भोग छो सुन बोलते हैं, खनछिन जीवा छो जो शंता रक्षिता है, फिर गुरु पद्मा जुगनाथ और पौन पद्मा जुगनाथ प्रोफेसर पद्मा जुगनाथ खन खन खनछिन जीवा छो यानी कि शंता रक्षिता हो और पौन पद्मा जुगनाथ खन हो छोस छोस मतलब छोड़ गया ठिठों दे धार्मिक किंग ठिठों दे धर्म किंग। इन तीनों को जो है हम खंडोप छोसुम बोलते हैं, द ग्रेट ट्रायड बोलते हैं। तो इसके साथ में मेरे ख्याल में जो है अभी यहीं मैं छोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पार्ट टू के तौर पे जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, पार्ट वन जो है मैंने पहले सुनाया था, लेकिन आपको पूरा जो है कंटिन्यूटी में जो है आपको ये कहानी समझ आने के लिए आपको पहले बहुत ना स्तूपा के बारे में मैंने जो एक वीडियो बनाया था पहले उसको देखिए, फिर इसका जो है पहला वाला पार्ट वन देखिए, फिर ये पार्ट टू देखिए, तो आपको जो है एक कंसेप्ट आ जाएगा कि किस तरीके से ये सब। अगर अच्छा लगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ये जो है विशेष करके जो है हमारा मोनपा ब्रदर सिस्टर्स जो अरुणाचल में है, जो भूटान में है, फिर हमारा जो है सिक्किम वाले जो है सिक्किम के जो धर्मा ब्रदर और सिस्टर्स है, फिर हमारा जो है उत्तराखंड में जो है दारचूला वगैरह देहरादून वगैरह बहुत सारे जो है हमारे धर्मा ब्रदर और सिस्टर्स है जो टिबेटन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। आगे जाके फिर हिमाचल में जो है हमारा लाहौल स्पीति किन्नौर काजा पंगी, फिर जो है जम्मू कश्मीर में हम देखें तो पाडर और फिर लद्दाख को है। मेरा प्राइमरी जो है एम जो है ये जो है चैनल बनाने का मकसद ही जो है जो भी टूटे फूटे लैंग्वेज में हिंदी में जो कुछ मुझे इधर उधर सुना हुआ जो है पते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप लोग जो है लाइक करें और मुझे भी सपोर्ट करें, अगर आप सपोर्ट करेंगे ये चैनल थोड़ा चलेगा, इससे थोड़ा बहुत कुछ आमदनी हो जाता है। तो यहाँ एक खेराती गाँव का कि मैंने एक छोटी गाँव को मैं अडॉप्ट किया हूँ, एक स्कूल भी है जो एक यहाँ अन्य रिगजिन नंगों ने जो अभी चला रहे
उनके कृपा से चल रहा है स्कूल, मैं उस स्कूल को सपोर्ट करता हूँ। वो गाँव में जो है बहुत सारे गरीब 86 फैमिलीज है, 476 जो है जनसंख्या है, बहुत गरीब है। उनको मैं दवाई का, कुछ कपड़े का, कुछ कंबल का, कुछ खाने का इंतज़ाम करता रहता हूँ। इसमें जो है अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करके जो है मुझे इससे थोड़ा इनकम आ गया तो मेरे अपने जो है जेब से जो कुछ निकल पाता हूँ उसके ऊपर आप लोगों का भी एक सपोर्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि मेरे मिशन खिराती में जो है आपका भी योगदान है, तो आप भी जो उसमें भागीदार हो जाएगा इस अच्छे कार्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच।